Welcome student. Welcome student to the another session of strength of material subject. Myself Muhammad Saad, and today's session we will discuss about column and strut topic of strength of material. Let's see what is column and strut. Structural member subjected to compression and which are relatively long to the lateral dimension are called column or strut. Generally, the term column is used to denote vertical members and term strut denotes the inclined member. मतलब के जो structural member compression जिसके ऊपर compression लगता है और जो उसके lateral direction है, मतलब के linear direction हमारा होता है जो length की direction में होता है और lateral direction जो हमारा diameter, generally अगर हमारा cylindrical column है तो उसका जो डायमीटर वाला डायरेक्शन होगा वो होगा लेटरल डायरेक्शन और जो लेंथ वाला डायरेक्शन होगा वो लीनियर डायरेक्शन. तो कॉलम ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं जिसके अंदर लेंथ कंपेयर टू डायमीटर काफी ज्यादा होती है और उसके ऊपर जनरली कंप्रेशन अप्लाई होता है. ठीक है, और हम कॉलम को जनरली जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं और इंक्लाइन मेंबर को हम स्ट्रट बोलते हैं, जैसे कि आपको यहां पे फिगर में दिखाया गया है. उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलम और पिलर के बारे में. अ कॉलम और पिलर इन आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट ट्रांसमिट थ्रू कंप्रेशन द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर अबव द स्ट्रक्चरल एलिमेंट बिलो. कॉलम्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू सपोर्ट बीम्स और आर्चेस ऑन व्हिच द अपर पार्ट्स ऑफ द वॉल्स और सीलिंग रेस्ट. मतलब कि कॉलम के ऊपर जो हमारा बीम होता है वो रेस्ट करता है, जो आर्चेस होती है वो रेस्ट करती है. उसके बाद हम बात कर लेते हैं बकलिंग लोड के बारे में. द मैक्सिमम लोड विच अ कॉलम कैन सपोर्ट बिफोर बिकमिंग अनस्टेबल इज नोन एज बकलिंग और क्रिटिकल लोड. मतलब के जो मैक्सिमम लोड हमारा कॉलम सस्टेन कर सकता है उसका अनस्टेबल स्टेट आने के पहले, मतलब कि जो उसका लेंथ वाला डायरेक्शन है उसके फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होने से पहले वो जितना मैक्सिमम लोड सह सकता है उसको हम बोलेंगे बकलिंग लोड. एट दिस स्टेज द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द कॉलम विल बी लेस देन द यील्ड स्ट्रेस मतलब के क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल. मतलब जब ये बकलिंग लोड, मतलब ये जो मैक्सिमम लोड वो सह सकता है वो वाली कंडीशन के अंदर हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा ना कॉलम का वो यील्ड स्ट्रेस से बढ़ जाएगा. यील्ड स्ट्रेस यहां पर हम क्रशिंग स्ट्रेस को बोलेंगे. द बकलिंग टेक्स प्लेस अबाउट द एक्सिस हैविंग मिनिमम रेडियस ऑफ वेरिएशन और लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मतलब के बकलिंग वो एक्सिस पर होगा जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा या रेडियस ऑफ वेरिएशन सबसे यहां पर लेस होगा, वो एक्सिस के ऊपर बकलिंग होगा कॉलम की. उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेफ लोड. हमने बकलिंग मतलब के फेलियर ऑफ लोड के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं सेफ लोड के बारे में. तो सेफ लोड इज इक्वल टू बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई गई है. उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर. द रेशियो ऑफ क्रिटिकल लोड टू द अलाउएबल लोड ऑन द कॉलम इज कॉल्ड स्टेबिलिटी फैक्टर. मतलब कि स्टेबिलिटी फैक्टर है क्रिटिकल लोड अपॉन अलाउएबल लोड, उसको हम स्टेबिलिटी फैक्टर बोलेंगे. अब बात कर लेते हैं लॉन्ग कॉलम्स के बारे में. लॉन्ग कॉलम्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड द स्लेंडर कॉलम विच सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेशन डिफ्लेक्ट और बेंड इन अ लेटरल डायरेक्शन द लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड बकलिंग. मतलब के जो कॉलम लेटरल डायरेक्शन के अंदर बकल होते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्ग कॉलम. लेटरल डायरेक्शन और लीनियर डायरेक्शन मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूं मैं. द लॉन्ग कॉलम फेल्स व्हेन देयर इज एक्सेसिव बकलिंग, मींस व्हेन द लोड ऑन द कॉलम एक्सीड्स द क्रिटिकल लोड. क्रिटिकल लोड मैंने आपको पहले बताया कि जो मैक्सिमम लोड अ कॉलम कैन सस्टेन बिफोर इट्स डायमेंशन चेंजेस, मतलब कि उसके फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो लेटरल डायरेक्शन के अंदर चेंज होने से पहले जो मैक्सिमम लोड वो सस्टेन कर सकता है उसको हम क्रिटिकल लोड बोलेंगे. हम बात कर लेते हैं क्रिटिकल लोड. क्रिटिकल
load denotes the maximum load carrying capacity of the long column. The load carrying capacity of long column depends upon the several factors like length of the column, moment of inertia of its cross section, modulus of elasticity of the material, nature of its support in addition to area of cross section and crushing strength of material. मतलब कि जो load carrying capacity जिसके ऊपर हमारा critical load depend होता है वो कुछ factors से ऊपर depend करता है, जैसे कि length of the column, हमारे column की length कितनी है, उसके बाद moment of inertia of its cross section, उसके बाद है modulus of elasticity of the material, जो material का column हमने बनाया है उसकी modulus of elasticity कितनी है, उसके बाद nature of its support, उसको जो कॉलम है उसको हमने कैसा सपोर्ट प्रोवाइड किया है, उसके बाद है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना क्रॉस सेक्शन है, कितना डायमीटर है उसका, उसके ऊपर, और लास्ट में है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया जो मटेरियल से हमने कॉलम को बनाया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है. अब बात कर लेते हैं शॉर्ट कॉलम की. शॉर्ट कॉलम फेल्स बाय क्रशिंग और यील्डिंग ऑफ द मटेरियल अंडर द लोड P1. लॉन्ग कॉलम फेल्स by buckling at a considerably smaller load P2 which is less than P1. मतलब कि जो short column होता है वो generally crushing के अंदर fail होता है और हमारा जो long column होता है वो buckling के अंदर fail होता है. जो short column है वो हमारा crushing या yielding of material के अंदर fail होता है, जो कि हम load P1 से denote किया है, और जो long column है वो हमारा buckling के अंदर fail होता है, जो कि हमने P2 से यहाँ पर denote किया है. यहाँ पर P2 P1 से छोटा है. The value of buckling load for a long column is low, whereas short column the value of buckling load is relatively high. अब हम बात कर लेते हैं यूलर्स थ्योरी की. यहाँ पर यूलर्स थ्योरी जनरली लॉन्ग कॉलम के लिए ही यूज होती है, शॉर्ट कॉलम के लिए यूलर्स थ्योरी यूज नहीं होती है. A bending moment which bends the column as to present convexity towards the initial center line of the member will be regarded as positive. मतलब कि आपकी initial center line के तरफ अगर वो convexity present करती है तो हम उसको positive consider करेंगे. जो हमारा column buckle हो जाने के बाद अगर वो initial center line की तरफ अगर वो convexity present करती है तो हम उसको positive consider करेंगे. And the bending column which bends the column as to present concavity towards the initial center line of the member which will be regarded as negative. मतलब कि अगर वो इनिशियल सेंटर लाइन की तरफ कॉनकेविटी प्रेजेंट करती है तो हम उसको एज अ नेगेटिव कंसीडर करेंगे. ये हमको यूलर्स थ्योरी से पता चला. उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो यूलर्स ने थ्योरी प्रेजेंट की उसके अंदर कुछ अजम्पशंस उसने कंसीडर किए थे, तो हम वो अजम्पशंस के बारे में देख लेते हैं. द कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑफ यूनिफॉर्म लेटरल डायरेक्शन. मतलब कि जो कॉलम है वो स्ट्रेट होगा बिफोर उसके ऊपर लोड अप्लाई किया, उसके पहले कॉलम स्ट्रेट होगा, और जो उसके लेटरल डायरेक्शन है मतलब कि डायमीटर के अंदर जो उसका डायरेक्शन है वो यूनिफॉर्म होगा. उसके बाद द मटेरियल ऑफ द कॉलम इज होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक एंड ओबेस हुक्स लॉ. मतलब कि मटेरियल होमोजीनियस भी होगा, वो आइसोट्रॉपिक भी होगा, और हुक्स लॉ को भी ओबे करता होगा. मतलब कि जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि विद इन द इलास्टिक लिमिट्स द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. उसके बाद है द स्ट्रेसेस आर विद इन इलास्टिक लिमिट एंड द कॉलम फेल्स बाय बकलिंग अलोन. मतलब कि अगर आप यूलर्स थ्योरी को अप्लाई कर रहे हो तो यूलर्स ने ऐसा एज्यूम किया था कि जो स्ट्रेसेस उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं कॉलम के ऊपर वो विद इन इलास्टिक लिमिट होगा और कॉलम सिर्फ बकलिंग के अंदर ही फेल होगा, क्रशिंग में फेल नहीं होगा और दूसरे कोई भी रीजन से फेल नहीं होगा, वो सिर्फ बकलिंग के अंदर फेल होगा, ऐसा यूलर ने एज्यूम किया था. द कंप्रेसिव लोड इज एक्सियल एंड पासिस थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन. मतलब कि जो कॉलम विच इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड इज एक्सियल, मतलब वो एक्सिस से पास होता होगा और कॉलम की सेंट्रॉइड सेक्शन से भी पास होता होगा. और लास्ट The self weight of the column is neglected. मतलब के जो self weight है column का उसको हमने इसमें considered नहीं किया है Euler's theory के अंदर. यहाँ पर last में आज के जो topic हमने पढ़ा उसके regarding कुछ questions यहाँ पर दिए गए हैं.
आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, और अगर आप इसकी टेस्ट लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है,